अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। एक ख्वाब वो है जो सच्चा होता है, एक ख्वाब वो है कि आदमी जो कुछ सोचता रहता है उसी को ख्वाब में देखता है, और एक ख्वाब ऐसा है जो शैतान की तरफ से होता है और गमों सदमे का सबब होता है। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में कोई नापसंदीदा चीज़ देखे तो उसे चाहिए कि वो उठकर नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, मुझे ख्वाब में बेड़ी का देखना अच्छा लगता है और तौक देखने को मैं नापसंद करता हूँ। बेड़ी की ताबीर दीन पर साबित कदमी यानी जमे रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो वो मैं ही हूँ, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल नहीं अपना सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ख्वाब किसी आलिम या खैरख्वाह से ही बयान किया जाए। जामे तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 2280, ये हदीस सही है।